गाइस देखो अभी तो जो है गिट्टू अपनी चप्पल देख रही है, अगर इसे कोई सी अच्छी लगती है तो ये देखो। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं 1, तो जस्ट अभी नहाकर आया था। अच्छा अभी लेट हो गया नहाने में, बिकॉज ऐसे ही थोड़ा मन सा नहीं कर रहा था। और सबसे पहले तो हाँ गाइस, मैं भूल रहा हूँ, मैंने नाश्ता तो कर लिया, उससे पहले मैं अपनी दवाई ले लेता हूँ। ये जो है दवाई मैं इसलिए ले रहा हूँ, बिकॉज आपको यार दिख रहा होगा यहाँ पर ये मेरे फोरहेड पर इतने दाने से हो गए हैं, और यहाँ पे ये देखो पूरी जगह दाने। इसकी दवाई ले रहा हूँ मैं, ये होम्योपैथिक दवाई है। और मेरे जो है छींक वगैरह भी आती रहती है, मतलब दिन में कम से कम नहीं तो 7-8 बार छींक आती है मेरे को, सो उसकी भी दवाई ले रहा हूँ मैं। सो इसी की दवाई थी ये, मतलब ये दवाई दोनों का असर कर जाएगी। बट ये थोड़ा डॉक्टर ने कहा था कि ये थोड़ा लेट असर करेगी, बट चलो कोई नहीं, हो जाएगा आखिरकार। और हमारे किट्टू ने भी जो है चप्पल डिसाइड कर लिया है, तो चलो देखते हैं कौन सी लिया उसने। और गाइस देखो यहाँ पे हमने सारे कपड़े यहीं डाल रखे हैं, बिकॉज यार बाहर का मौसम ऐसी हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ मौसम के साथ। गाइस देखो अभी तो जो है किट्टू अपनी चप्पल देख रही है, अगर इसे कोई सी अच्छी लगती है तो ये देखो। और यहाँ पे बड़े मम्मी भी सब्जी ले रही है वहाँ से, वो भैया दे रहे हैं। तो किट्टू ये वाली कैसी है, किट्टू कैसी है ये वाली चप्पल, देखिए साइज। वहाँ से गए अभी भैया आए थे, तो वहाँ से इसका इसी चप्पल भी मतलब जो है थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तो इसलिए जो है हम इसके नई चप्पलें देख रहे हैं। अगर मिल जाए, इसे पसंद आएगी तो गए तो ही लेंगे, वरना ये बाद में जाके कह देती है कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, आप इसे मत दो, है ना किट्टू। और देखो आज इसने ये वाला टॉप पहन रखा है जो मैं उस दिन लाया था। हाँ अब इसके एक नंबर बड़ा डाल। हाँ ये वाली सही कैसे है ना। तो गाइस अभी जो है जैसा कि मैं समोसे लेने गया था, तो मतलब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मौसम ऐसी हो रहा था बारिश आने वाला, बट आई नहीं थी, मैं वहाँ खड़ा रहा था। और अचानक से इतनी तेज बारिश पड़ गई ना, तो मैं पूरा भीग ही गया, इतना ही भीग गया, मतलब यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर भीग गया था अच्छी तरह से, इतनी तेज बारिश पड़ी एकदम। हमारे सारे कपड़े भी छत पर डाल रखे थे, तो हम फटाफट गए लेकर आए इतने में, और इतने में अब बहुत तेज़ धूप हो गई थी जब मैं अभी नहाने गया था। तो आज मेरा नहाने का प्लान नहीं था, बट मैं भीग गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसलिए नहा ही लेते हैं। चलो अब तो वैसे क्लासेस वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है आराम से, भी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा काम आया हुआ है वो करता हूँ फटाफट से, फिर मिलता हूँ आपसे। समोसे की पार्टी हो रही है यहाँ पर, तो समोसे किट्टू का मन कर रहा था आज खाने का, तो मैं उसके लिए देखो समोसे लाया हूँ एकदम गरम गरम, हरी चटनी भी है देख लो। हाँ गाइस एक और बात, अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, पहले जाकर यार वो देख कर आओ फटाफट से, देख लिया आपने। तो यार मतलब मेरी ये सब नहीं आता, मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनमें से 59% लोगों ने तो सब्सक्राइब कर रखा है, वो आते हैं जैसे ही उनके पास नोटिफिकेशन आती है, वीडियो देख के लाइक करके चले जाते हैं। और गाइस मतलब 40% लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो यार प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जल्दी से 110 तक पहुँचा दो, उसके बाद फिर आगे अपना रखेंगे। और वैसे भी लाइक्स के मामले में भी व्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं, बट लाइक नहीं करता कोई, तो प्लीज़ यार लाइक करो मेरी वीडियोज़। देखो हमारी किट्टू ने जो है ये वाली स्लीपर्स डिसाइड करे हैं, किट्टू आपको अच्छे लग रहे हैं पक्का। सो गाइस देखो अभी जो है मम्मी 5 फ्लेवर चॉकलेट, और ये कौन सी है, ये गाइस आई थिंक कंपाउंड में मम्मी ने कोई सा तो कलर मिला रखा है। और वैसे तो मम्मी अभी जो है ये 5 फ्लेवर और फेरो रोशर वाली चॉकलेट्स बना रही है। सो ये देखो गाइस देखो किट्टू अपना मस्त एकदम लगी पड़ी है, पता नहीं क्या कर रही है। और इसका मैंने अभी ये थोड़ा सा छेड़ दिया था, तो ये रोने लगी थी। तो कर क्या रहे हो आप, हैं कर क्या रहे हो? अच्छा गाइस देखो अभी जो है बज रहे हैं दोपहर के 3, और अब जाके मैं जो है अपना लंच कर रहा हूँ। लंच में बाय द वे फेवरेट राजमा चावल और पराठा, मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे तो राजमा। देखो अभी बज रहे हैं 3:30, सो जस्ट अभी जो है मम्मी फेदर रोजल वाली चॉकलेट्स बना रही है, तो ये कुछ उसके सेल आते हैं, सो ये देख लो आप ऐसे कुछ है। और ये तो वही ग्लूकन वाली है 5 फ्लेवर वाली, तो इसमें मम्मी ने इस वाली चॉकलेट्स में ये ट्राई करा है, तो चलो देखते हैं। और ये आलमंड वगैरह भी सब कट करके रख रखा है, तो ये देख लो। अभी बज रहे हैं 7:30, सो जस्ट अभी जाके जो है मेरा काम कंप्लीट हुआ है। सो आज जो है मैं वीडियो को अपलोड पे लगाना भूल गया था, मतलब भूल क्या गया था यार, 6 बजे आना था व्लॉग,
बट ना वो वीडियो एडिट हो पाई थी मेरे से, ना अपलोड हो पाई थी। तो जस्ट अभी अभी जब मेरा काम कंप्लीट हुआ है, तो जस्ट अभी अभी मैंने जो है अपनी वीडियो एडिट करके रेंडर करी है। तो रेंडर होने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, देन फिर उसके साथ के साथ अपलोड पे लगा दूंगा। तो आई थिंक 8 बजे तक होपफुली आ जाए व्लॉग, ज़्यादा लेट ना हो इससे। और बस यही था अभी तो, और देखते हैं अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है मेरा, तो देखते हैं डिनर में क्या बनाया वैसे आज। तो गाइज ये टेबल और रूम भी थोड़ा मैसी सा पड़ा है, तो पहले इन सबको अच्छे सही से करता हूँ और फिर देखते हैं। जरा बेड की हालत देखो यार, इतनी गंदा लग रहा है, इतना गंदा बेड। और ये देखो किट्टू भी यहाँ पे छोड़ गई। तो चलो अब सब कुछ एकदम सेट कर देता हूँ। अब देखो अब थोड़ा मतलब सही सा लग रहा है, मतलब रूम को क्या वैसे तो हमेशा साफ रखना चाहिए, बट हमारा ऐसे ही रहता है। तो अब जाके मैंने सेट करा है, तो अभी 7:30 हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी दवाई ले लेता हूँ। हाँ, तो मम्मी खाने में क्या बनाया आज? ये क्या है? चावल, पूरी, चावल। ये वाला पेठा है, मसाला वाला पेठा। तो चलो दे दो मेरे को जितना भी है सब कुछ। गाइस देखो ये जो राजमा है ये तो पहले से दोपहर वाले हैं, तो ये खा लेता हूँ मैं, फ्राई करा ली वैसे। ये पेठा, चावल एंड पूड़ी, ये देख लो आज का डिनर। गाइस देखो अभी बज रहे हैं रात के 10, और अभी अभी जो है बारिश बंद हुई है, मतलब काफ़ी तेज़ बारिश पड़ने लगी थी, तो अब जाकर जो है बारिश थोड़ी बंद हुई है, ये देख लो। गाइस देखो अभी जो है 11:30 बज रहे हैं, और इसने देखो रूम का क्या हाल बना रखा है, ये देखो क्यों कर रखा है, सारे ऊनो कार्ड्स फैला रखे हैं, तक ये ऐसे ही पड़े हैं, देखना कितना सा गंदा सा लग रहा है। अभी बज रहे हैं रात के 12, तो चलो अब इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, ध्यान रखना सब अपना, सो बाय।